तो अंधे पर कुछ गुना है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुना नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीजा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है।